जैसा कि मैंने बताया था पहले कि रेजिस्टर में जो है एनर्जी लॉस होता है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर केवल एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं, वहां पर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें कि रेजिस्टेंस हो ही नहीं, मतलब कि केवल कैपेसिटर हो और इंडक्टर हो, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी का कभी लॉस नहीं होगा। जैसे कि यहां पर एक सर्किट हमने दिखाया है, इसमें कैपेसिटर है और इंडक्टर है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो एनर्जी जो है कभी कैपेसिटर में रहेगी, कभी इंडक्टर में जाएगी, फिर इंडक्टर से वापस कैपेसिटर में आएगी। तो इस तरह से एनर्जी जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती आती रहेगी, और इसीलिए इस टाइप के सर्किट को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटर सर्किट, है ना। इसमें एनर्जी ऑसिलेट करता रहता है। तो एनर्जी इसमें किस तरह से ऑसिलेट करता है ये हमें अभी देखना है। तो ये जो सर्किट है इसमें हमने पहले माना है कि जो कैपेसिटर है ये चार्ज किया हुआ है, इस पर टोटल चार्ज है क्यू नॉट, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। इंडक्टर जो है वो अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब उसे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि टी इज इक्वल टू जीरो पर स्विच को क्लोज किया गया, स्विच इज क्लोज्ड, ठीक। तो क्लोज करने के बाद ये जो सर्किट है ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें इंडक्टर होगा और कैपेसिटर होगा, है ना। और ये जो कैपेसिटर है इस पर चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है ये सर्किट में फ्लो करने लगेगा। तो मान लिया किसी इंस्टेंट पर चार्ज कम होते होते यहां पर क्यू चार्ज बचा हुआ है, है ना, इधर माइनस क्यू होगा, और करंट जो है इस तरह से इसमें फ्लो करेगा, है ना। ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये है एट टाइम टी, टाइम टी पर मान लिया कि आई करंट फ्लो कर रहा है इनसे होकर के। तो किसी टाइम टी पर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्यू बाई सी, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए। हमें पता है कि जो चार्ज है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो जो करंट की वैल्यू है उसको लिखा जा सकता है माइनस डी क्यू बाई डी टी, यानी कि जो डी आई बाई डी टी है ये आ जाएगा इसको डिफ्रेंशिएट करने से माइनस डी टू क्यू बाई डी टी टू, है ना। ये इसलिए आया क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए निगेटिव साइन है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो डी आई बाई डी टी है इसकी वैल्यू यहां से रखते हैं, यह आएगा माइनस डी टू क्यू बाई डी टी टू इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं डी टू क्यू बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई एल सी। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, है ना। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पहले भी कहीं पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा ही इक्वेशन हमने पढ़ा था। वहां इक्वेशन था डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पर जैसे एक्स होता था यहां पर क्यू है, ओमेगा स्क्वायर के जगह पर वन बाई एल सी आ गया है, है ना। टाइम के जगह पर अभी भी टाइम है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमने पढ़ा था एसएचएम में, और इसका सॉल्यूशन कैसा आता था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एसएचएम का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखा करते थे, है ना। तो यही जो इक्वेशन है ऐसा इक्वेशन यहां भी है, तो इसका सॉल्यूशन भी कुछ वैसा ही होना चाहिए, है ना। तो कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए के जगह पर वैसे चाहें तो डायरेक्ट हम लोग क्यू नॉट लिख सकते हैं, है ना। क्यू क्या बता रहा है, इस कैपेसिटर पर चार्ज। तो इस
इस कैपेसिटर पर जो चार्ज आएगा मैक्स, जो शुरू में जो चार्ज है वही तो मैक्सिमम चार्ज होगा, उसके बाद चार्ज घटता जाएगा, फिर अगर चार्ज कभी आना होगा तो मैक्सिमम चार्ज वापस क्यू नॉट के बराबर आ सकता है, है ना। तो मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है तो ये कहेंगे कि चार्ज का एम्पलीट्यूड एक तरह से है ना, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें यहां पर फाई की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, है ना। टी इज इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर पर जो चार्ज था वो क्यू नॉट के बराबर था, तो इसको इसमें रख के देखते हैं, तो क्यू की वैल्यू अगर क्यू नॉट रख देंगे तो साइन ओमेगा टी, टी की वैल्यू जीरो रखेंगे यहां पर, प्लस फाइव, तो क्यू नॉट कैंसिल, यानी साइन फाइ इज इक्वल टू वन आ गया, साइन फाइ इज इक्वल टू वन, यानी फाइ इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन है ये हो गया q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये आ गया कैपेसिटर पर चार्ज किसी भी टाइम टी पर, ये बताएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी। अब अगर सर्किट से करंट निकालना हो तो आई की वैल्यू होती है माइनस डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो करंट निकाल लेते हैं, करंट थ्रू द सर्किट, तो आई जो है ये हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी माइनस, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक डिफ्रेंसिएशन करने से आएगा, एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू चेन रूल से फिर ओमेगा टी का करेंगे तो आएगा ओमेगा टी का वन। इसका मतलब यह हुआ कि जो करंट है, करंट की वैल्यू आ गई I इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा, ये क्यू नॉट है ये ओमेगा है, इंटू साइन ओमेगा टी, ये हो गया किसी टाइम टी पर करंट, करंट एट टाइम टी। ठीक, तो ये देख सकते हैं कि जो करंट है ये भी जो है पीरियडिकली चेंज हो रहा है ना, और जो चार्ज है ये भी पीरियडिकली चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। मतलब मैं ये कहूंगा कि जब चार्ज जीरो होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, और जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो होगा, है ना। तो कह सकते हैं चार्ज क्यू एंड करंट आई बोथ चेंजेस पीरियडिकली बट with phase difference pi by 2। मतलब ये है, कह सकते हैं कि when I is equal to I maximum, ये maximum कब होगा, जब time zero है ना। तो जब time zero है, सॉरी, जब टाइम ये मतलब ओमेगा टी जब 90 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री आएगा तो करंट मैक्सिमम होगा क्यू नॉट ओमेगा के बराबर, और जब ये 90 डिग्री होगा तो देखेंगे कि चार्ज हो जाएगा जीरो, तब क्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। उसी तरह से कह सकते हैं कि जब करंट का वैल्यू जीरो होगा, ये जीरो होने का मतलब ओमेगा टी का वैल्यू जीरो, तो ओमेगा टी जीरो रखने से चार्ज क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, तब क्यू जो है ये आ जाएगा
मैक्सिमम, इसीलिए कहते हैं कि ये आउट ऑफ फेज है, है ना। अब हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी है उसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, जबकि एनर्जी अगर हम लोग निकालें इंडक्टर में, इन इंडक्टर, तो इसको मैं के लिखता हूं, इसको लिखा जा सकता है हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का फॉर्मूला अगर देखा जाए और ये जो मैंने कंक्लूजन यहां पर बताया इसको देखा जाए, तो कह सकते हैं कि जब करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होने से ये मैक्सिमम होगा, तब चार्ज जीरो होगा यानी ये जीरो होगा, है ना। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये जीरो, और जब करंट जीरो होगा यानी कि ये जीरो होगा, ये वाली एनर्जी इंडक्टर में एनर्जी जीरो होगी तो ये वाला मैक्सिमम होगा, उस टाइम पर चार्ज मैक्सिमम है तो ये वाला एनर्जी मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब ये है, अगर फिगर में देखें, जब इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसमें एनर्जी जीरो है, जब इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होगा तो इसमें एनर्जी जीरो हो जाएगा, है ना। और ये एनर्जी, इसमें एनर्जी आई करंट पर डिपेंडेंट है, इसमें एनर्जी चार्ज पर डिपेंडेंट है। तो होगा क्या कि जो चार्ज है अभी सबसे ज्यादा था टी इक्वल टू जीरो पर, तो सारी एनर्जी कैपेसिटर में थी, उसमें कोई एनर्जी थी नहीं। अब धीरे धीरे चार्ज फ्लो करने लगा तो इसमें करंट बढ़ रहा है तो इसमें एनर्जी बढ़ रहा है, इसमें चार्ज घट रहा है तो इसकी एनर्जी घट रही होगी, है ना। ये एनर्जी धीरे धीरे सारा उसमें चले जाएगा, मतलब जब मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा तो सारी एनर्जी यहां पर होगी, यहां पर करंट तब जीरो हो रखा होगा, यहां पर चार्ज जीरो हो रखा होगा, है ना। यहां चार्ज जीरो होगा, यहां करंट मैक्सिमम होगा, तो सारी एनर्जी यहां पर होगी, यहां पर कोई एनर्जी नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, जब चार्ज जीरो हो जाएगा तो करंट यहां पर मैक्सिमम है, वो करंट फ्लो करता रहेगा तो धीरे धीरे चार्ज बढ़ने लगेगा, इसकी पोलरिटी बदलने, इधर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, इधर निगेटिव चार्ज आने लगेगा, चार्ज लेकिन बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब चार्ज बढ़ने से क्या होगा, इस पर एनर्जी बढ़ रही होगी, उस पर एनर्जी घट रही होगी, धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते इसका चार्ज मैक्सिमम वापस Q नॉट आ जाएगा, उसमें करंट हो जाएगा तब जीरो, ठीक है। फिर ये साइकिल उल्टा चलता रहेगा बार बार, ये कभी एनर्जी इसमें कभी एनर्जी उसमें, इस तरह से ये जो है एनर्जी ऑसिलेट करता रहता है। अगर इसमें और सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आपको सिमिलरिटी देखनी हो, है ना, जैसे कहें कि SHM था और एलसी ओसिलेटर है, है ना। तो SHM में जैसे हम लोग लेते थे क्वांटिटी x, इसमें लेते थे x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो है हम लोग लेते हैं चार्ज q, है ना। x के जगह पर जैसे यहां मैंने बताया कि ये x जैसे लेते हैं, यहां पर चार्ज q है, और यहां पर हम लोग लेते थे वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब dx बाई dt, तो यहां पर लेते हैं करंट, करंट का मतलब dq बाई dt, ठीक है। अब यहां पर एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी को लिखते थे हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक काइनेटिक एनर्जी लिखते थे हाफ एम वी स्क्वायर। वैसे ही इसमें जैसे यहां पोटेंशियल एनर्जी होती थी, वैसे यहां भी लिख सकते हैं कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। जैसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती थी, इसमें कैपेसिटर वाली एनर्जी है, इसमें जैसे काइनेटिक एनर्जी होती थी, और यहां पर ये इंडक्टर वाली एनर्जी है, है ना। तो बिल्कुल देखेंगे जो दोनों की कहानी है, SHM की और LC ओसिलेटर की, वो एक जैसा है। इसमें पोजीशन और वेलोसिटी जो है SHM में बदलता है, इसमें चार्ज और करंट जो है वो चेंज होते रहते हैं।